दोस्तों, आज दीपावली का दिन है। सब लोग दीपावली की तैयारी में लपटे हुए हैं और हम भी अपने मंदिर की सफाई कर लिए हैं। आपके सामने मेरे जो भगवान हैं उन सबकी फोटो दिखाई दे रही है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को आप धन दौलत सब कुछ दीजिए, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग बढ़िया से रहें। और साथ में मैं अपनी तरफ से अपने सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामना देते हुए यह अपना वीडियो शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम अपने दीपावली के दिन, दीपावली की सुबह, बगीचे का क्या अपडेट है, हमारे बगीचे में कौन कौन से पौधे हैं, इसका हम विजिट आपको कराएंगे। आगे बात करें इस बाल्टी में, ये 20 लीटर की बाल्टी है। इसमें हमने अनार का पौधा लगाया है। इसमें पिछले साल काफ़ी फल आए थे, काफ़ी फूल आए थे और 2-4 फल पिछले साल लगे थे। अभी इस समय ये देखिए एकदम हरा भरा है। इसकी भी ग्रो अच्छी है, कंडीशन अच्छी है। ये बात करें, देखिए इसी साल हम इसको, इस बैंगन के पौधे को लगाए हैं गमले में और इसको लगाए 2-3 महीना हुआ, ये फूल और फल बनना शुरू है। इसमें ये फूल फूल फल फूल बनने की शुरुआत हो गई है। ये देखिए ये पौधा, ये कोलियस का पौधा है, ये कटिंग से लगाए हैं। ये गमले में देखिए ये नींबू का पौधा कितना स्वस्थ है। अभी 5-6 महीना पहले लगाए थे और इसको अभी प्रूनिंग भी किया, देखिए सब कटा हुआ है इसका विकास होने के लिए। ये देखिए अमरूद का पौधा है, इसको 1 केजी बोलते हैं, 1 केजी वैरायटी का पौधा है। इसका एक एक फल जो है आधा केजी से लेकर के 700-800 ग्राम तक का एक फल होता है। ये देखिए गमले में ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है, माँ तुलसी, श्यामा तुलसी है। जहाँ भी हमारे बगीचे में देखेंगे हर जगह श्यामा तुलसी आपको दिखाई देंगी। ये ज़मीन में देखिए बैंगन का पौधा लगा है। इसके बाद आगे बात करें, ये देखिए मिर्च का 1.5 साल पुराना पौधा है। इसमें देखिए 1.5 साल के बाद भी अब भी ये फूल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं। हालांकि कम फल बन रहे हैं, फिर भी देखिए ये फल, ये सब फल बने हुए हैं। तो अभी जो हम पौधा लगाएंगे मिर्च का, उस पौधे के बड़ा हो जाने के बाद इस पौधे को हटा देंगे। आगे अगर बात करें, एक पौधा ये भी बैंगन का है, यह 2 साल पुराना पौधा है। इसमें भी अभी फल फूल आ रहे हैं, ये देखिए इसमें फूल फूल लगा हुआ है। ये बात रही, अगला पौधा आपको दिखाते हैं। ये पौधा आंवला का पौधा है, ये करीब 7-8 महीना पहले लगाए थे। अच्छी बढ़वा रहा है, अच्छा विकास कर रहा है। आगे बात करते हैं इस अमरूद के पौधे की। यह अमरूद का पौधा 20 लीटर की बाल्टी में लगाए हुए हैं और इसको लगाए अधिक से अधिक 6-7 महीना हुआ, 8 महीना हुआ होगा मैक्सिमम। और 8 महीने में ही इस पौधे में बहुत बढ़िया फल और फूल आ रहे हैं। ये देखिए फल लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये फल लगा हुआ है, ये देखिए फल लगा हुआ है, ये देखिए फल लगा हुआ है। तो ये देखिए इतना बड़ा फल लगा हुआ है। तो इतना कम उम्र के अमरूद के पौधे में आपको आमतौर पे फल नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर फल लगा है। ये देखिए बौनी वैरायटी का ये आम का पौधा है, इसको अभी हम 20-25 दिन पहले नर्सरी से ला के लगाए हैं। ये पौधा कितना सुंदर है। ऐसे ही ये देखिए एक मेरा बैंगन का पौधा है और इसमें रोग लग गया था मलीबग, तो मलीबग का इलाज कर दिए हैं और ये करीब करीब स्वस्थ है और आगे चल के ये भी फ्रूटिंग करेगा। ये देखिए मेरा पौधा जो एक जोरा का पौधा है, इसमें बहुत अच्छे फूल निकल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा मौसम बदलने के साथ में फूल की संख्या में कमी हो गई है। ये देखिए थोड़ा सा केवल एक टहनी में फूल दिखाई दे रहा है। ये सदाबहार का पौधा है, इसका फूल आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने देखिए अरवी या कंद है, इसका पत्ता देखिए कितना सुंदर है। ये ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, यह नीचे ज़मीन के अंदर मिट्टी में इसके कंद बैठते हैं, वो भी सब्जी के काम में आते हैं और इनके पत्तों को भी किचन में कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं या और कई काम में लेते हैं। ये देखिए सामने गमले में आपको एलोवेरा का पौधा दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरा कंपोस्ट खाद बनाने का टैंक है, यह पत्ते से और किचन वेस्ट से
खाद बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छी खाद दिखाई दे रही है आपको, इस खाद के ऊपर ये सब पौधे भी जम गए हैं, ये खाद तैयार हो गई है। तो ये मेरा एक टैंक ये हो गया। एक दूसरा टैंक और देखिए कोने में, वो भी हमने खाद बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए रखा है, लेकिन अभी वो खाली है, केवल उसमें पानी भरा हुआ है, वो बरसात का पानी है। तो आगे हम आपको दिखा दें, ये हमारा सीड लिंक है, इसमें हम विभिन्न प्रकार के बीज उगाते हैं। ये देखिए बैंगन के बीज उगाए हैं, ये टमाटर के बीज उगाए हैं, ये सब फूल गोभी के बीज हैं, चार छः ये सब पौधे हैं। इनको निकाल करके अभी गमलों में शिफ्ट करना है, और जो खाली जगह इसमें बच रही थी, ये सब देखिए हमने ये सब पालक लगा दिया है। और बात करें लौकी का पौधा मेरा यहाँ पर भी है, ये देखिए लौकी का पौधा, इसकी जड़ें कितनी मोटी हैं। इसको इस मीठी नीम की पेड़ के ऊपर से चढ़ाते हुए, जो सामने शेड दिखाई दे रहा है, टीन शेड है, इस टीन शेड के ऊपर काफ़ी दूर तक इसकी बेल फैली हुई है, और इस सीज़न में कम से कम हमको 400-500 लौकी उत्पादित हो गई होगी, और घर में भी पूरा इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा अपने जान पहचान पास पड़ोस तमाम लोगों को दिया गया। तो ये लौकी की मेरी एक बेल यहाँ पे है, दूसरी बेल वहाँ पे है, तीसरी बेल वहाँ पे है, इस तरह से ये तीन बेल को हमने तीन सेट पे चढ़ाया हुआ था। इसका बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हमको मिला है। और देखिए एक लौकी का बेल तो ये ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, 21 इंच का ग्रो बैग है, इसमें लगाए हैं। एक मेरा ये भी बैंगन का पौधा है, ये 2 साल पुराना है, देखिए इसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, और इस समय इसमें कोई फल फूल नहीं है, इसका थोड़ा देख रेख करना है तो फल फूल आना शुरू हो जाएगा। ये बैंगन के 2 पौधे ग्रो बैग में अभी हमने इसी साल में लगाया है। ये अकालिफा विलकेसियाना का पौधा, ये कटिंग से ग्रो किए थे, देखिए कितना अच्छा से ये ग्रो हो गया, जो शुरू में पौधा दिखाए थे उसी पौधे का कटिंग लगाए थे। ये सामने देखिए ये मेरा करेला का पौधा है, ये भी छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसमें बहुत काफ़ी रूटिंग हुई है, अभी थोड़ा पौधा सूखने के कगार पे है, फिर भी अभी फूल जगह जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये देखिए हम कोलियस को कटिंग से ग्रो किए थे, ये देखिए कितना बढ़िया ग्रो हुआ है। ये देखिए हमने इसका नींबू का कटिंग से ग्रो किया है, एकदम से अच्छा से कटिंग पकड़ ली है। ये सब लगातार इस साल हमने 1, 2, 3, 4 ये 5 गमले में हमने बैंगन लगाया है। ये देखिए पौधा बेला बेला फूल का पौधा है, हालांकि थोड़ा ये पौधा अस्वस्थ है। ये अगला देखिए 2-3 दिन पहले हम ये 2 ग्रो बैग में टमाटर का पौधा लगाए हैं। ये देखिए आपका बैंगन का पुराना पौधा है, करीब 1 साल पुराना, इसमें देखिए ये फल बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले पौधे में, यहाँ भी देखिए इस पौधे में भी ये देखिए फल, ये बैंगन का फल बना है। इस पौधे को देखिए, सब पुराने पौधे हैं, सब ग्रो बैग में हैं, ये देखिए कितने अच्छे फल लगे हुए हैं, 2 फल यहाँ ऊपर, और इसके बाद हम आपको दिखा दें ये 1, 2, 3, 4, 5 फल यहाँ नीचे, इस तरह से 6-7 फल यहाँ पे अच्छे साइज़ के और अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसमें अभी देखिए फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए फूल लगा हुआ है। तो इस तरह से हमको बैंगन, ये भी मेरा देखिए बैंगन का पौधा है, कितना स्वस्थ है, ये भी बैंगन लगाए हुए हैं। ये देखिए गोल वाला बैंगन है, कितना बढ़िया फल लगा है। और यहाँ देखिए ये भी लग रहा है। ये देखिए नीचे ये छोटे से सीमेंट पार्ट में ये हमने ग्रो किया है पालक, और ये कितना बढ़िया जर्मिनेट हुआ है। ये सब गमले देखिए, ये सब गमले में मिट्टी भर के तैयार है पौधा लगाने के लिए, और ये सब दीपावली के बाद करना है। और ये गमले भी हमने खुद अपने हाथ से बनाया है, सीमेंट के पार्ट, और इसका वीडियो भी हमारा यूट्यूब में अपलोड है, अगर आप कोई भी भाई बंधु देखना चाहे तो देख करके आराम से अपने आप वो बना सकता है। इधर देखिए कई कई गमले खाली पड़े हैं, और इसमें हमें मिट्टी की व्यवस्था करना है। खाद वगैरह तो मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है, लेकिन इसमें मिट्टी की व्यवस्था करना है। ये देखिए मेरा दूसरा टैंक ये भी है, ये खाद बनाने का, लोग गमले में खाद बनाते हैं कंपोस्ट, तो गमले में कितना खाद तैयार होगी, तो इसीलिए हमने कंपोस्ट बनाने के लिए बड़े बड़े टैंक बना लिए हैं। ये देखिए टैंक में मेरी ये कंपोस्ट खाद तैयार हो रही है, और एक टैंक में पूरा तैयार होके कंप्लीट है, तो ये मेरी खाद बन रही है। आगे आइए आपको और दिखाते हैं। ये इस लौकी के पौधे के बगल में हमने ज़मीन में 2 पौधे लगाए हैं बैंगन के, इसके बगल में चलिए तो ये बगल में आपको दिखाई देगा, इसमें हमने पालक लगा दिया है, एक क्यारी में पालक लगी हुई है।
और अच्छा तरह से जाम गई है, जर्मिनेट हो गई है। ये देखिए इसके बगल वाली क्यारी में हमने धनिया बोया है और धनिया का बीज भी जगह जगह आपको जमा हुआ दिखाई दे रहा है। ये धनिया हो गई। आगे आएंगे तो जो आप एक दो तीन चार चार क्यारी देख रहे हैं, तो बगल वाली एक क्यारी में लहसुन लगाए हैं और इस क्यारी में मेथी लगाए हैं और एक क्यारी में गाजर लगाए हैं और उधर एक क्यारी छोटी सी दिखाई दे रही है वहाँ पे देखा, वो छोटी सी क्यारी में जो पानी से भीगा हुआ है उसमें सरसों लगाए।